उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में दिनांक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित किया गया, जिसमें सभी विभागों के शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मियों व कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में संचालक डॉ. ममता कुमारी ने महिला दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए सिमोन द बोवार, चार्ली चैपलिन तथा अन्य महान विभूतियों के उद्धरणों के जरिए अपनी बात रखी। वो महिलाओं के आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की बात पर भी जोर दिया। हमेशा ये सोचते थे ऐसी कौन सी तोप है कि मैं नहीं सीख सकती और मुझे क्यों इस बात का डर है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर फिर भी अगर हम पहल करें तो हम सीख सकते हैं। और रिसर्च करने की जरूरत है और कुछ नहीं। महाराष्ट्र और गुजरात में इस समय जो स्टॉक मार्केट की टॉप इन्वेस्टर्स हैं या जो खरीद फरोख्त कर रही है, वो दोनों महिला हैं। ये सुन के मुझे अच्छा लगा और ये थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया कि शायद मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ। ऐसा नहीं तो कम से कम छोटी मोटी अपनी सेविंग्स की प्लान कर सकती हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मानविकी एवं शिक्षा शाखा के निदेशक प्रोफेसर H.P. शुक्ल जी ने की। उन्होंने बताया कि महिलाएं हमेशा से एक सोपान आगे रही हैं तथा समाज के प्रत्येक वर्ग से वह यह आशा रखते हैं कि वे महिलाओं का सम्मान करें। आज बराबरी की बात, बराबर होने का अधिकार, जेंडर इक्वलिटी, जब इस तरह के भाव होते हैं तो महिलाएं थोड़ा आक्रामक उनका स्वर होता है और ऐसे में डर लगता है। तो मैं भी सोच रहा था, कई विचार आए तो मुझे लगा कि नहीं, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। आप सबको महिला दिवस की ढेर सारी बधाई। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता डॉक्टर गगन सिंह, सह आचार्य वाणिज्य ने बचत व निवेश के विभिन्न माध्यमों से संबंधित विस्तृत जानकारियां दी। जब भी आप मतलब खरीदारी करने जाए तो आपकी प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। आप उसी सामान को क्राई करें जो आपको जरूरत का है। फिर PPF एक और माध्यम हो सकता है। EPF भी प्रचलित है, लेकिन हमारी संस्था में, क्योंकि आज की डेट में जब हम गवर्न होते हैं जिन रूल से, NPS हमारे यहाँ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, PPF एक सोर्स हो सकता है। NSE एक नेशनल सिक्योरिटी स्कीम है, सर्टिफिकेट है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। LIC आपके पास एक ऑप्शन है ही है। अंग्रेजी विभाग के नागेंद्र सिंह गंगोला ने स्त्रीवाद के सैद्धांतिक पक्षों पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संबंध उससे उजागर किए। मैं खेलना चाहती थी दरख्तों की सबसे ऊंची शाखाओं पर, जहां से देख सकती थी संसार, लेकिन पैरों तले रौंदा गया मुझे। मैं बनना चाहती थी इस धरती की सबसे सुंदर कविता, लेकिन बार बार, कई बार मेरे तमाम शब्दों को खारिज कर दिया गया, क्योंकि उनमें मेरी जुबानी थी। मैं पढ़ना चाहती थी उन दीमक खाई हुई किताबों को जिनमें मेरा इतिहास छपा रखा था। मैं उन किताबों के हरफों को बार बार गौर से पढ़ना चाहती थी। मैं चिड़िया बनना चाहती थी क्योंकि मापनी थी आकाश की ऊंचाइयों और उसकी अनंतता को, लेकिन उड़ने से पहले ही मेरे पैरों को ही काट दिया गया, क्योंकि आसमान से तारे तोड़ना औरत जात के लिए वह मुनासिब नहीं समझते थे, सिर्फ पिंजड़े की मैना समझा गया। मैं कभी जो ख्वाब देखती थी उनसे सबको डर लगता था और बार बार उन ख्वाबों को देखने से मनाही की जाती रही। हमारे लिए सीमाएं भी निश्चित की गई थी, क्योंकि तुम्हारी दुनिया रसोई घर के अंदर और सिर्फ शारीरिक भूख मिटाने तक सीमित है, और बार बार, हजार बार हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। जब भी मैंने किसी एकांत में नीरव एकला भी करना चाहा तो संदिग्धता के कटघरों में खड़ा कर दिया गया। जब भी मैंने अपनी आवाज़ को शब्दों में व्यक्त करना चाहा तो सिरे से ही खारिज करने के भयानक षड्यंत्र रचे गए। इन रचे गए षड्यंत्रों के बरक्स मैं खिलती गई, मैं पढ़ती गई, मैं आसमान की ऊंचाइयों को छूती गई, सपनों को सच करती गई, संदिग्धताओं की वकालत करती गई। और आज जब हस्ती हूँ ठहाके लगाकर मर्दों के ही बीच उनके कुछ सिर्फ मानसिकताओं पर, तब वे नजरें मिलाने से भी डरते हैं। मैं अब हिचकिचाती नहीं अपने ख्वाबों को देखने में, अपनी बातों को बड़ी बड़ी मंचों पर रखने में, क्योंकि अब हमें उनके चेहरों को पढ़ना हो गया है। अब मैं सहानुभूति भी अधिकार मानती। थैंक यू।
असिस्टेंट प्रोफेसर श्री राजेंद्र सिंह केड़ा जी ने स्त्री विमर्श को देश काल एवं परिस्थिति के अनुरूप होने की बात कही। 16 साल की लड़की से लेकर 80 साल की लड़की या महिला का रेप होता है, बहुत सारे लोग होते हैं इस विश्वविद्यालय में भी, हमने सुनी नहीं ये बात कि क्यों रेप हुआ। आपके पास बने बनाए उत्तर अगर हों और उन उत्तरों को बचाने की जिद हो तो ऐसे ही विमर्श निकलकर सामने आते हैं। मुझे अपनी परंपरा से कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी परंपरा के भीतर ऐसा ढेर सारा कीचड़ है जिसको साफ होना चाहिए। जिनको लगता है कि महिला प्रश्न में सप्तशती का उदाहरण देकर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहकर हम सारे समस्याओं का समाधान कर देंगे, वो गफलत में। इस मौके पर विश्वविद्यालय की दो महिला कार्मिकों को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र व प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। भौतिकी विभाग में अकादमिक परामर्शदाता डॉक्टर मीनाक्षी राणा को यूकास्ट डीएवी तथा डॉल्फिन इंस्टीट्यूट द्वारा अग्रणी महिला वैज्ञानिक का सम्मान मिलने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। रेडियो विभाग की सुनीता भट्ट ने स्त्री संघर्ष को विभिन्न उद्धरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया व साथ ही महिला दिवस को उल्लास से मनाने एवं भविष्य की योजना बनाने वाला दिन बताया। महिला दिवस, महिला ऐतिहासिक जिस पृष्ठभूमि को हम जानते हैं कि कैसे इस दिन को हासिल किया गया है और कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, ये जो हम माइक पे हमें बोल रही हैं, ये जो मंच पे इस तरफ जो महिला मौजूद हैं वो भी अभी इक्की दुखी हैं, लेकिन ये हमारा हासिल है। और ये जो तमाम सारी महिलाएँ विश्वविद्यालय में इतनी तादाद में हैं वो भी हमारा हासिल है, तो इसलिए इस दिन को हम बहुत उल्लास के साथ मनाना चाहते हैं। कार्यक्रम के अंत में वित्त नियंत्रक श्रीमती रुचिता तिवारी ने समाज व परिवार में प्रचलित छोटी छोटी बातों के महत्वपूर्ण मायनों पर जोर दिया। वो प्रसिद्ध शायरा हिना रिजवी की नज्म बिनते हवा का पाठ किया। मैं भी अशरफ हूँ निगाहों में खुदा ही मेरे, अशरफ मने शरीफ, मैं भी अशरफ हूँ निगाहों में खुदा ही मेरे, मेरी तो गोद में खिले हैं मसीहा कितने, कितने वलियों, वलियों मने संत, कितने वलियों ने मेरे हाथ की रोटी खाई, कितने शाहों ने मेरे पांव में जन्नत पाई, मैं ही पत्थर के मन मकानों को बनाती घर हूँ, मैं ही दुनिया मोहब्बत का हसी मेहबर, मेहबर मने केंद्र बिंदु, मैं ही दुनिया मोहब्बत का हसी मेहबर हूँ, मेरे औसाफ मतलब गुड क्वालिटीज अच्छाइयाँ मेरी, मेरे औसाफ इनाने को ये कागज कम है, सिर भी नाजुक हूँ मगर रूह मेरी रुस्तम है। और सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर निदेशक प्रोफेसर आरसी मिश्र, निदेशक प्रोफेसर गिरजा पांडे जी, प्रोफेसर हीरा सिंह भाकुनी व कुल सचिव डॉक्टर एच एस नयाल जी की उपस्थिति शोभनीय रही।